नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है ट्विंकल खन्ना के लिए। ट्विंकल खन्ना द वाइफ ऑफ सुपरस्टार अक्षय कुमार, जो ऑब्वियसली राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया की डॉटर है। शी गॉट हर इनिशियल ब्रेक्स इन बॉलीवुड बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एंड शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। ट्विंकल खन्ना इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाई एंड आफ्टर मैरिज शी गेव अप एक्टिंग एंड नाउ शी इज अ राइटर। तो ट्विंकल खन्ना, मैं चाहती हूँ कि आप ब्लॉग्स लिखें, क्योंकि आप ब्लॉग्स लिखती हैं। मैंने देखा और पढ़ा कि कैसे आपने ब्लॉग लिखा कि एक यंग वुमन्स लाइफ हैज बीन टेकन अवे एंड स्लाइस्ड इनटू पीसेस और सम शिट लाइक दैट आपने लिखा। यंग वुमन यानी द ड्रग प्रोक्योरर, ड्रग कंज्यूमर, स्मॉल टाइम ड्रगी रिया चक्रवर्ती। तो आप उसके समर्थन में आई हैं और उसके टी शर्ट के शब्दों का यूज करके, सेवन करके अपना ब्लॉग लिख रही हैं, ये कह के कि कुछ मैजिशियंस ने उस यंग लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी 1.3 बिलियन इंडियन लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं आप किस मैजिशियंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक शी इज अंडर जेल बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ अ ड्रग रैकेट एंड दैट वॉज फाउंड बाय NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मुझे समझना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कौन से मैजिशियंस कंट्रोल करते हैं, CBI को कौन से मैजिशियंस कंट्रोल करते हैं, ED को कौन से मैजिशियंस कंट्रोल करते हैं। क्या इन्हीं मैजिशियंस की वजह से आपके हस्बैंड का करियर 2014 से थोड़ा ऊपर चढ़ता गया? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज योर हस्बैंड वॉज अ स्टार बट नॉट अ सुपर सुपर स्टार टिल प्रोबेबली द मैजिशियंस केम इन टू पावर। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हु आर द मैजिशियंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये यंग वूमन तो अभी तक जिंदा है, जेल में है, खाना खा रही है, सो रही है, लॉयर है, जल्द निकल जाएगी जैसे ही उसकी बेल पास हो जाएगी। मगर वो यंग आदमी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उस यंग आदमी के बारे में क्या कभी आपने ट्वीट किया है? वो यंग आदमी की एक पिक्चर थी, बायोपिक ऑन नारायण मूर्ति, जो आज की तारीख में आपके सुपरस्टार हस्बैंड अक्षय कुमार कर रहे हैं। क्या आपने इसके ऊपर ब्लॉग लिखने का सोचा? बिकॉज आप बहुत ब्लॉग लिखती हैं, आप एक अच्छी लेखक हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट अ ब्लॉग ऑन द रियलिटी ऑफ व्हाई अक्षय कुमार इज डूइंग द फिल्म विद सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत वाज सपोज्ड टू डू, दैट इज द बायोपिक ऑफ नारायण मूर्ति। साथ साथ में एक दूसरा ब्लॉग भी लिखिए, क्योंकि मैंने देखा और सुना अपने कानों से कि आपके हस्बैंड ने बोला कि ही ड्रिंक्स काउ यूरिन, दैट इज गौ मूत्र। आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज अबाउट दैट, बिकॉज आप तो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव बोलती है। सो आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज ऑन द फैक्ट दैट योर हस्बैंड हैज कन्फेस्ड दैट ही ड्रिंक्स काउ यूरिन, दैट इज गौ मूत्र, बिकॉज ऑफ इट्स आयुर्वेदा प्रॉपर्टीज। मुझे जानना है कि क्या ये प्रोग्रेसिव एक्ट है या रिग्रेसिव एक्ट है, बिकॉज आप तो ऑब्वियसली अपने आप को दोनों जगह सवार करने का प्रयास करती है, वन साइड द लिबरल्स, द अदर साइड obviously the magicians, you know, den, you try to sail in two boats, Twinkle Khanna. So we want to know your thoughts and we want to see your blog on the fact that why your husband is doing the late actor Sushant Singh Rajput's film which he was supposed to do and the fact that he drinks cow urine, kyunki ye young ladki ke samarthak mein aake obviously aapne mera attention aapki taraf divert kiya hai. So let me just tell you, this young woman ke videos to aap dekh hi rahe honge ki kis tarah se usne wo यंग आदमी को नशा करवाया, yes, ये कहकर कि वो obviously उसकी देखभाल कर रही थी। आप उसकी अगर देखभाल कर रही थी, अगर वो डिप्रेशन में था, तो उसका मतलब ये कि आप उसको इलीगल ड्रग्स भी फुकाए। ये यंग वुमन ने ये सब किया और इसलिए ये यंग वुमन आज की तारीख में जेल में है। सो सेल योर नैरेटिव, वी विल कॉल आउट योर हिपोक्रेसी। नमस्ते, जय हिंद।